इंदौर नगर निगम ने होलकर स्टेडियम को 1.5 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने का नोटिस थमाया है। अगर MPCA द्वारा जल्द ही टैक्स जमा नहीं किया गया तो नगर निगम द्वारा होलकर स्टेडियम को सील करने की कार्यवाही की जाएगी, जिससे इंदौर में होने वाले IPL मैच खटाई में पड़ सकते हैं। इंदौर नवागत निगम कमिश्नर आशीष सिंह ने बताया कि होलकर स्टेडियम पर 1.5 करोड़ रुपए का राजस्व बाकी है, जिसको लेकर निगम द्वारा MPCA को नोटिस भी दिया गया है। अगर MPCA द्वारा आगामी दिनों में निगम का बकाया 1.5 करोड़ रुपए जमा नहीं किए जाते हैं तो निगम द्वारा होलकर स्टेडियम को सील करने की कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि निगम द्वारा भारत बनाम न्यूजीलैंड के एक दिवसीय मैच के दौरान भी होलकर स्टेडियम को सील करने की कार्यवाही की गई थी। हालांकि MPCA के अधिकारियों द्वारा निगम अधिकारियों को टैक्स भरने के आश्वासन के बाद निगम ने होलकर स्टेडियम से अपने ताले हटाए थे। आपको बता दें कि नवागत निगम कमिश्नर ने साफ लफ्जों में कहा है, अगर MPCA बकाया 1.5 करोड़ रुपए का शुल्क जमा नहीं करता है तो उसे सील करने की कार्यवाही की जाएगी, जिससे IPL के होने वाले मैच खटाई में पड़ सकते हैं। इंदौर से परिधि वर्मा की रिपोर्ट। दी गई है कि 0 से 20% तक का स्थानीय निकाय एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकता है, तो हमने MIC से कंसल्ट करके उस पर 5% का मनोरंजन कर अधिरोपित किया है। इस संबंध में उनको नोटिस दी गई है, अभी तक हालांकि जमा नहीं किया है। इसके लिए हमने एक नोटिस और जारी की है, जो हमारा पिछला मैच हो चुका है उसके लिए, और जो आगामी 3 मैच है उन तीनों के चारों मैचेस के लिए हमने 5% मनोरंजन कर के लिए उनको नोटिस जारी की। ये लगभग जो मेरा अंदाजा है, कम से कम ये चारों मैचेस के लिए राशि मिनिमम जो है 1.5 से 2 करोड़ के आसपास होनी चाहिए।